हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। OHT ओवरहेड टैंक में वर्टिकल वाल कैसे लगता है, किसी भी वाटर स्ट्रक्चर में हम सेटरिंग वर्क कैसे करते हैं, टाई रॉड कैसे लगाते हैं, वाटर बैरियर कैसे लगाते हैं, वाटर बैरियर क्या होता है, टाई रॉड सही फिक्स करने का क्या तरीका होता है, हमारा वाटर बैरियर क्या काम करता है, किसी भी RCC स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपको वर्टिकल RCC स्ट्रक्चर का वाल करना हो, वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर तक जाने वाला कि OHT ओवरहेड टैंक, या फिर कहीं भी आपको वर्टिकल वाल का काम करना हो तो उसमें कैसे सपोर्ट लगाना है, कैसे सेटरिंग लगाना है प्लाईवुड का, कैसे बैटन का इस्तेमाल करना है, ये पूरा मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि वाटर बैरियर क्या होता है, टाई रॉड क्या होता है, कैसे फिक्स करते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा एक एक स्टेप समझाऊंगा जो कि आपको कहीं भी OHT ओवरहेड टैंक में किसी भी RCC स्ट्रक्चर में आप काम करेंगे वर्टिकल वाल में आपको ईजी होगा पूरा सेटरिंग लगाने में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ के जो साइड इंजीनियर है वही उन्होंने ही पूरा इस स्ट्रक्चर को, पूरा सेटरिंग वर्क को पूरा उन्होंने ही काम किया हुआ है, तो आपको डिटेल में बताएंगे कि हमारा टाई रॉड क्या होता है, वाटर बैरियर कैसे लगाया है, कैसे सपोर्ट लगाया है। मोहसिन खान जी है, ये पूरा जो हमारा टंकी बनी हुई है OHT ओवरहेड टैंक उन्होंने ही बनवाया है, तो पूरा वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे हमको वाटर बैरियर का इस्तेमाल किया है, कैसे वाटर बैरियर फिक्स किया है, कैसे प्लम किया है, कैसे डाया मिलाया, पूरा एक एक डिटेल आपको बताएंगे, तो मैं उनसे आपको बात करवाता हूं आज। दोस्तों, ये मेरा वाटर बैरियर है, इसको हम किस तरीके से लगाते हैं हमारे RCC वाल में इसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक। ये मेरा टंकी है, ये मेरा यहाँ पानी रहेगा, पानी मेरा इधर अंदर से बाहर ना आए इसलिए मैं इसको लगाते हैं। इसको किस तरीके से लगाते हैं आइए चलते बताते हैं। फिर ये हमारा दो टाई रॉड रहेगा और ये मेरा वाटर बैरियर, इसके बाहर हमारा PVC पाइप लगा रहेगा, इसके अंदर हम ऐसे लगा देंगे। पहले तो हम इसको अंदर रख देंगे, इसे पाइप को ऐसे अंदर रख देंगे, जैसे ये मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा नट है, इसको हम ऐसे अंदर लगाने के बाद जैसे हमारा यहाँ से लगा हुआ है, ये हमारा अंदर लगा हुआ है अंदर, इसको हम फिर एक टाई रॉड इधर से कस देंगे, और एक टाई रॉड को हम बाहर अंदर से कस देंगे, एक बाहर से और एक अंदर से कसेंगे। इसको कसने के बाद हम ऐसे जिस तरीके से यहाँ कसे हैं ऐसे यहाँ मेरा होल है प्लाईवुड में, ये मेरा बैटम लगा हुआ है 500 पे, और ये मेरा है 16 mm का सरिया, इसी में हमारा ये नट लगा के दोनों तरफ से अंदर दिख रही है उस साइड में लगा हुआ है, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से लगा देंगे इसको, इसके बाद कस देंगे। ये हमारा वाल का थिकनेस है 200, ये हमारा वाल का थिकनेस इतना। तो दोस्तों, ये मेरा वाटर बैरियर ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पे हमारा RCC वाल हो और मेरा वहाँ पानी भरना हो, जैसे ये मेरा टंकी तो इसमें मेरा पानी भरा रहेगा, और ये जो मेरा वाटर बैरियर है ये हम ऐसे इसमें बीच में लगा के अंदर बाहर से हमारा जब प्लाई कस जाएगा तो आराम से कास्टिंग होने के बाद फिर इसको हम ऐसे इसको फिर खोल लेंगे, ऐसे ये भी खोल लेंगे और ऐसे बाहर का भी खोल लेंगे, और ये मेरा वाटर बैरियर यहीं अंदर ही रह जाएगा ताकि मेरा पानी ना अंदर जा सके, अंदर का पानी बाहर ना आ सके, ये मेरा कंक्रीट में फंसा रहेगा, ये मेरा वाटर बैरियर पानी रोकने का काम करता है। और ये मेरा सपोर्ट लगा हुआ है प्लाईवुड का, ये मेरा दो सपोर्ट लगा हुआ है नीचे ऊपर यू जैक लगा के पाइप में बांध के, और ये मेरा अंदर का डिस्टेंस 12 मीटर रहना चाहिए, ये आमने सामने अगर ऐसे भी लेंगे तो भी हमारा 12 मीटर रहना चाहिए आमने सामने का पूरा ये डाया प्लाई के जो अंदर है प्लाई, और ये मेरा वाटर बैरियर है ना। जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ के साइड इंजीनियर थे मोहसिन खान जी उनका नाम है, उन्होंने ही पूरा ये स्ट्रक्चर को आपको कैसे सेटरिंग RCC स्ट्रक्चर में कैसे जिसके अंदर वाटर स्टैंडिंग वाल हो, कंटेनर वाल हो, कोई भी वर्टिकल वाल हो जिसमें हम पानी रहता हो OHT ओवरहेड टैंक में हम, ठीक है, हम कैसे सेटरिंग यूज करना है उन्होंने बताया कि ये वाटर बैरियर क्या होता है। जैसे कि उन्होंने आप लोगों को दिखाया, ये हमारा ये बीच वाला जो दिख रहा है इसी को वाटर बैरियर बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोग के यहाँ पर दिखा देता हूँ,
एक अलग से दिखा हुआ, ये है बैरियर। बैरियर क्या काम करता है, ये आपको कॉलर जो दिख रहा होगा ये हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सेंटर में है, सेंटर में रहेगा। तो ये दोनों जो होल दिख रहा है, इधर से टाई रॉड कसेगा, उधर से टाई रॉड कसेगा, जो कि फिर बाद में टाई रॉड खोल के हम निकाल लेंगे, और ये बैरियर कंक्रीट के अंदर रह जाएगा। जो पानी आएगा ना, ये कॉलर जो दिख रहा है, ये पानी को बाहर नहीं निकल, लीकेज नहीं होने देगा, इसीलिए हम वाटर बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहीं भी कोई भी वाटर जिसके अंदर रहता हो, पानी रहता हो, तो उसमें आप ये वाटर बैरियर का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ में आपको ये जो होल दिख रहा है, इसमें टाई रॉड कसना है और प्रॉपर तरीके से लगाना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा लगाया हुआ। ये मोहसिन खान जी, आप थोड़ा साइड होइए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरी जो 16 mm का जो सरिया आता है वो पूरी अच्छे से इसमें फिक्स करके इधर से अपने को बाहर से टाइट कर देना है, ठीक है। और